हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए स्पोकन सेंटेंसेस लाई हूँ उस वीडियो में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर हेल्प। अगर आप किन्हीं की मदद के लिए उन्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर हेल्प। पहला बाया मोड़ ले, टेक द फर्स्ट लेफ्ट। अगर आप किन्हीं को रास्ता दिखाने के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि पहला बाया मोड़ ले, तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, यह पास है, इट्स नियर, इट्स नियर। आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को कह सकते हैं कि यह पास है। वाहन खड़ा करना मना है, दैट मीन्स नो पार्किंग, नो पार्किंग। आप कुछ इस तरह से इस बात को कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको ये कहना है तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं इट सीम्स टू मी। यह दूर है, इट्स फार, इट्स फार। फार का मतलब दूर होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या सेंटेंस है। मेरे विचार में, इन माई व्यू। अगर आप मेरे विचार में ये कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में इन माई व्यू। की जगह पर, इन प्लेस ऑफ। की जगह पर अगर आपको अपने वाक्य में इस्तेमाल करना है तो आप कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ। आई नेक्स्ट देखते हैं क्या सेंटेंस है। परीक्षा पास करो, क्लियर द एग्ज़ाम, या फिर पास द एग्ज़ाम। आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। रविवार की रात तक, टिल संडे नाइट। रविवार की रात तक अगर आपको ये कहना है तो टिल संडे नाइट। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, उदाहरण के लिए सच एज, या फिर फॉर एग्जाम्पल। आप कुछ इस तरह से कह के अपने बातों को बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेरा अनुमान। अगर आप किसी चीज़ के लिए अनुमान लगा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई गेस, आई गेस। आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बस रोज़मर्रा की तरह, जस्ट द यूजुअल, जस्ट द यूजुअल, या फिर जस्ट एज यूजुअल, एज यूजुअल। आप कुछ इस तरह भी कह सकते हैं। बढ़िया प्रदर्शन, गुड शो, या फिर गुड प्रेजेंटेशन। आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, बढ़िया प्रदर्शन। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू सी यू। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप अपनी खुशी जाहिर करना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं नाइस टू सी यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मान गई आपकी सफाई के, फेयर एनफ, फेयर एनफ। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं इस बात को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स। अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है कि आप, तो आप नहीं शुक्रिया कहना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं नो थैंक्स। नई चीज़ों को परखो, ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई न्यू थिंग्स। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि नई चीज़ों को परखो, के कारण, ड्यू टू। अगर आप किसी सेंटेंस में के कारण का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं ड्यू टू, और स्टार्ट कर सकते हैं अपने सेंटेंस को। आपका सब मंगलमय, विशिंग यू वेल। अगर आप किसी के लिए मंगल कामना कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं विशिंग यू वेल। बहुत ही अच्छा, प्रिटी गुड। बहुत ही अच्छा को आप इंग्लिश में प्रिटी गुड कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या सेंटेंस है। आप सही फरमा रहे हैं, यू आर राइट, या फिर आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट। आप कुछ इस तरह से इस सेंटेंस को अपने स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है, आई एम फॉन्ड ऑफ इट, आई एम फॉन्ड ऑफ इट। आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को कह सकते हैं कि मुझे यह बहुत पसंद है, मैं शर्त लगाता हूँ, आई बैट। अगर आप किसी चीज़ के लिए शर्त लगा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई बैट, और अपने सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम, आई एम नॉट फ्रॉम हेयर, आई एम नॉट फ्रॉम हेयर। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं इस बात को। मैं शर्त लगाता हूँ, आई बैट, आई बैट। बैट का मतलब होता है दोस्तों शर्त, बी ई टी, बैट, बैट का मतलब शर्त। नेक्स्ट देखते हैं, आपका स्वागत है, योर वेलकम। आपका स्वागत है, इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं योर वेलकम। नेक्स्ट देखते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम अफ्रेड। आप कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, मुझे डर है, या फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ इस तरह से कह सकते हैं, इस सड़क को पकड़ लो, टेक दिस रोड। अगर आप किसी को रास्ते के दिखाने के लिए ये बता रहे हैं कि इस सड़क को पकड़ लो, टेक दिस रोड। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, यदि आप मुझसे पूछे तो, इफ़ यू आस्क मी। अगर यदि आप मुझसे पूछे तो, ये इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इफ़ यू आस्क मी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा स्पोकन सेंटेंसेस। मेरे नए व्यूवर्स इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आप देख